Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मौसम बदलने के साथ या अपनी साफ सफाई न रखने के कारण कई बार इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण दांत खाज खुजली की समस्या हो जाती है। इन समस्याओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बाद में ये छोटी छोटी बीमारी बड़े रोग में बदल जाती है, जिससे कई प्रकार के त्वचा रोग हो सकते हैं। ऐसे ही रोगों के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही उपचार करा लेना चाहिए। ऐसे रोग होने के लक्षण त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जो लाल रंग के होते हैं, इनमें खारिश होती है और खुजलाने पर इनमें जलन होती है। यदि इसका उपचार समय पर नहीं किया जाए तो एक्जिमा जैसे रोग हो सकता है, इन्हीं से दांत जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दांत फंगल इन्फेक्शन होता है, यदि ये बढ़ जाए तो इसे ठीक करना आसान नहीं है। दांत खाज खुजली पर अनार के पत्तों को पीस कर लगाने से इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इस प्रकार के बाद ये कभी नहीं होता है। दांत खाज खुजली पर नींबू के रस में सूखे सिंघाड़े को पीस कर लगाने से आपको पहले तो हुदी जलन महसूस होगी, लेकिन उसके उपचार के बाद ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दांत खाज खुजली हो जाए तो आप कच्चे आलू के रस का सेवन करें, गाजर को घीस कर उसमें सेंधा नमक मिलाकर दांत खाज खुजली पर लगाने से ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।